वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक फ्रॉम मामर अंसारी। आप सभी लोगों का रणबीर कपूर एंड संजय दत्त की फिल्म शमशेरा के डे नंबर वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? बट फ्रेंड्स, द रोड टू शमशेरा हैज जस्ट बिगन। आज संडे से लेकर एग्जैक्टली टिल द 22nd ऑफ जुलाई हम हर रोज आपके लिए शमशेरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड द इंक्रीज शो काउंट्स लाते रहेंगे और हर दिन की एडवांस बुकिंग से आपको रूबरू कराएंगे। ओके गाइस, चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। जहां जाओ बॉलीवुड में सब जगह रणबीर कपूर, रणबीर कपूर, ब्रह्मास्त्र, शमशेरा, इन नामों में इतना कंफ्यूजन हो चुका है कि कौन सा क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा होना चाहिए मेरा भाई, जब आप वापस आओ तो पूरा छा जाओ, एंड दैट इज व्हाट रणबीर कपूर इज डूइंग। द केसरिया सॉन्ग इज अ ब्लॉकबस्टर एवरीवेयर, इंडस्ट्री पीपल आर यू नो एंजॉयिंग द सक्सेस ऑफ केसरिया सॉन्ग। सबके जुबान पर ये गाना चढ़ गया है, इंस्टेंट चार्ट बस्टर था, वो तो होने वाला था। कल सुबह देखेंगे कि एग्जैक्टली 24 घंटों में इसने कितने व्यूज हासिल किए हैं। अभी इसने ऑलमोस्ट 10 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं एंड 1 मिलियन लाइक, एंड इसके जो बाकी लैंग्वेजेस है वो भी हम कल ऐड करेंगे। चलिए गाइस, आज एपिसोड शुरू करते हैं शमशेरा। बहुत साल हो गए मुझे, कम से कम 7-8 साल से आईमैक्स फिल्म देखता हूँ। ऐसे भाव में कभी जिंदगी में आईमैक्स देखा नहीं। हाँ, PVR कोटक जो है, IMAX विथ लेजर, हम कितनी बार गए हैं एंड चैनल पर मैंने आपको कितना दिखाया है। बड़ी से बड़ी फिल्म आई, बाप लेवल की फिल्म आई, लेकिन जो पहला शो रहता है ना IMAX का, उसका टिकट प्राइस छत फाड़ के निकलता है। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में शमशेरा के कहा था YRF इज प्लेइंग अ वेरी बिग गैम्बल। मेरा खुद का प्रेडिक्शन है ना, शमशेरा का डे वन का मिनिमम 17-18 करोड़ होता अगर ये प्राइजेस बढ़ा कर रखता। लेकिन यहां पर इन लोगों ने ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए, देखो गाइस, मैंने कभी जिंदगी में IMAX इतना सस्ता देखा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड जो लोग IMAX में जाते हैं उनको ये पता होगा, द IMAX एंथुजियास्ट दे मस्ट बी नोइंग व्हाट आई एम टॉकिंग। स्पेशली साउथ मुंबई जो पॉश लोकेलिटी है, वहां पर जो PVR है, जब हम जाते हैं वहां पर इतने कम भाव में टिकट कभी नहीं होगी। मेरा खुद का एपिसोड है वहां पर, जुरासिक हम देखने गए थे वहां पर, किस तरह से 700-800 की टिकटें थी वहां पर। द प्राइस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। बात करेंगे गाइस यहां पर शमशेरा की, 170-220 रुपीज इज IMAX, दिस इज वेरी गुड। एंड मैं आशा करता हूं इसका कृपया करके फायदा उठाइए, एंड इतने सस्ते में आपको IMAX देखने मिलेगी नहीं। गाइस, ये 9:30 का हाल ही नहीं, 4 बजे का जो शो है, यहां पर IMAX जो टिकट्स है वो 260 and 350 है। यूजुअली ये टाइम पर IMAX 700-800 हो जाता है। तो रात के शोज देखते हैं 10:50, 370 and 450, मैं खुद गवाह हूं, ₹1000 टिकट रहता है रात का। तो गाइस, यशराज इज ऑलमोस्ट स्लैश्ड 50% ऑफ द टिकट प्राइसेस ऑफ शमशेरा, व्हिच इज एब्सोल्युटली ह्यूमंगस। ये तो रही गाइस IMAX 2D की बात। बात करो नॉर्मल 2D थिएटर्स की, तो हम लोग यहाँ पे कार्निवल सिनेमा जो है मुंबई में शुरू हो चुका है, एंड गेटी गोज टू शमशेरा, सोल्ड। गेटी में शमशेरा लग रही है, एंड अगर गेटी का पहला शो फुल हुआ, नो स्टॉपिंग शमशेरा टू बी अ ब्लॉकबस्टर। क्योंकि गाइस यहां पर वी कैनॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द अर्बन ऑडियंस, द मल्टीप्लेक्स ऑडियंस, दिस सेंटर BCABD, ये सब कुछ नहीं होगा। गेटी है मेरा भाई, मास फिल्म में गेटी पहला दिन खाली गया, फ्लैट गया, खत्म। मैं अभी से कह रहा हूं, बहुत सारी प्रीवियस फिल्म आई थी तो लोग कहते थे गेटी में अर्बन ऑडियंस नहीं आती है। वो भाई, वो इलाके में सब अर्बन ऑडियंस ही है जो आते हैं देखने के लिए वहां पर पिक्चर। ओके, तो लेट्स सी गाइस, शमशेरा गेटी फुल करता है या नहीं करता। गेटी के भाव भी बहुत मिनिमम रखे हैं, 130 and 160, नो इंक्रीज इन द प्राइस। बात करें अन्य सिनेमा घरों की, मॉर्निंग शोज ₹120 है सिनेपोलिस फन रिपब्लिक, दिस इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ₹100 जो YRF जो है उसके बाजू का ही थिएटर है सिनेपोलिस, 100, 120, 200 रुपया, यानी कि भाव बराबर रखा है पब्लिक बस फिल्म देखने जाना। बात करो एडवांस बुकिंग की, तो गाइस 1 करोड़ का ग्रॉस हुआ है एडवांस बुकिंग का। यहाँ पे IMAX वर्जन जो है उसकी एडवांस बुकिंग यहाँ पर तकरीबन 10 लाख की हुई है, एंड गाइस जो 2D वर्जन है हिंदी का उसकी 90 लाख की हुई है। सो 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग यहाँ पे हो चुकी है, काफी मस्त एडवांस बुकिंग कह सकता हूँ। फुल फ्लेश्ड कल सुबह और शुरू होगी, तो लेट्स सी गाइस
इतना हुआ है अभी रिगार्ड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फोर मोर डेज टू गो फॉर द रिलीज ऑफ शमशेरा एंड अभी से 1 करोड़ यानी कि फिल्म बवाल ओपन होनी होनी अपना प्रेडिक्शन पहले दिन का यहां पर इस फिल्म का 11 से 12 करोड़ है। मुझे पता है बहुत लोग चाहते हैं फिल्म 20 करोड़ जाए, अरे 20 जाएगा तो मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा, लेकिन अनरियलिस्टिक प्रेडिक्शन देके क्या मतलब मेरा भाई, 20 बोल दूंगा उसी नहीं गई कैसा लगेगा, इसलिए रियलिस्टिक रखते हैं। मैं खुद अपना प्रेडिक्शन बढ़ाऊंगा डे बाय डे, लेकिन अभी फिलहाल 11 to 12 इज अ वेरी सेंसिबल प्रेडिक्शन क्योंकि इसके टिकट के रेट से यही वो जुग के जैसा 400-500 टोकते ना टिकट का प्राइस, मैं अभी मुंह से बोल के जाता 20 करोड़ रुपया पहले दिन का है, उतना नहीं रखा है इन्होंने, बहुत कम रखा है प्राइस। इट्स एन इवेंट फिल्म, देखो वायरस की स्ट्रेटेजी है चलती है नहीं चलती। बात करोगे इस मुंबई की तो मुंबई में यहाँ पर 424 शो दे देगा, इस शोज की से कोई कमी नहीं होने वाली है, वायरस क्रैकर शो लेगा क्योंकि वायरस का पूरा चेन है यहाँ पर, शमशेरा के बाद पठान आएगी, पठान के बाद टाइगर थी आएगी, तो उनको शोज तो मिलने ही मिलने हैं। मुंबई की बात करेगा इस ऑलमोस्ट 10 फास्ट फिलिंग शोज है एंड ऑक्यूपेंसी इज 5% विच इज वेरी डिसेंट। दिल्ली एनसीआर की बात करूं 432 शोज में कुछ भी फुल नहीं कुछ भी फास्ट फिलिंग नहीं 2% की ऑक्यूपेंसी है। पुणे की बात करूं 186 शोज है 11% ऑक्यूपेंसी एक्सलेंट कह सकता हूं। बेंगलुरु 127 शोज 3 फास्ट फिलिंग 9% ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद 186 शोज एंड हैदराबाद just cracking it out 6 fast filling and 60 यहां पर ऑलमोस्ट फुल शोज की कगार पर। हैदराबाद बहुत अच्छा चल रहा है 22% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। कोलकाता की बात करूं 149 शोज में 11% ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद 124 शोज 6% ऑक्यूपेंसी। लुक एट चेन्नई हीटिंग इट आउट आउट ऑफ पार्क 33 शोज 3 ऑलमोस्ट फुल एंड 9 फास्ट फिलिंग 28% ऑक्यूपेंसी। जयपुर 63 शोज 10%। चंडीगढ़ 44 शोज 4। भोपाल 23 शोज 3%। एलके और लखनऊ 77 शोज 8%। कानपुर 27 शोज 5% ऑक्यूपेंसी। बात करूं आगरा की 32 शोज है, एडवांस बुकिंग अभी तक किसी की नहीं हुई है। नासिक में 20 शोज है 9% की ऑक्यूपेंसी है। राजकोट में 20 14%। जमशेदपुर में 5 है लेकिन एडवांस बुकिंग कुछ भी नहीं हुई है। बात करूं प्रयागराज की 19 शोज में 30% ऑक्यूपेंसी, ब्रिलियंट 4 फास्ट फिलिंग शोज है तो वहां पर ये फिल्म शुड डू वेल। बात करो भुवनेश्वर की 34 शोज में 8% ऑक्यूपेंसी है। बात करो गुवाहाटी की 22 शोज में 9%। ग्वालियर 8 शोज में 8%। में जितनी सिटीज है उतनी आपको ट्रैक करने की कोशिश करूंगा। जलंधर 23 शोज 7%। कोटा 10 शोज में 4%। पटना 14 शोज में 11% ऑक्यूपेंसी है। बात करूंगा यहाँ पे जामनगर की तो 10 शोज है एंड 2% की एडवांस बुकिंग हुई है। एंड ब्रह्मास्त्र नहीं, अरे भैया नाम में कंफ्यूजन मत कीजिए, वो हमारी है, शमशेरा आपकी है। शमशेरा पहले दिन कहीं ना कहीं 11 से 12 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है। देखो गाइस मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि बहुत कम टिकट प्राइसेस रखा है लोगों ने एंड आपको ये फिल्म जो है इसका लाभ जाकर सिनेमा घरों में जरूर उठाना चाहिए। गाइस आईमैक्स में बहुत ही रेयर, मैंने धूम 3 आईमैक्स में देखी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू, धूम 3 के टाइम से मैं आईमैक्स में देखता रहने के लगभग अभी 9-10 साल हो चुके हैं मुझे आईमैक्स में देखते हुए फिल्में, लेकिन इतनी सस्ती फिल्म मैंने आईमैक्स में अभी तक नहीं देखा हूं। तो गाइस जाइए सिनेमा घरों में, एडवांस बुकिंग जो है वो खुल चुकी है एंड आईमैक्स में ये फिल्म लगी है। वॉच दिस फिल्म ऑन द बिग स्क्रीन इन आईमैक्स एज वेल एज इन 2D। ओके 5 days टू गो for Shamshera, book your tickets now. Smyamar Ansari signing off, you're gonna see me very soon. And yes, IMAX jo hai, iske overseas, cinema listing Middle East, UAE, Vox Mall Emirates, uske baad Vox Midriff, Oman, Qatar, jitne apne subscribers hai, Middle East se dhyan se suno, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, KSA, Kingdom of Saudi Arabia, wahan par UK, Europe, UK, Netherlands, Sweden, Belgium, Finland, ऑस्ट्रेलेशिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में मेलबर्न एंड उसके बाद सिंगापुर में शॉलिडो शॉजे क्यूब शॉजुएल सभी जगहों पर इसके आईमैक्स की लिस्टिंग लग चुकी है। बस आपको टिकट बुक करके सिनेमा घरों में जाना है। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।